कोरोना वायरस को देखते हुए कुरुक्षेत्र का हर एरिया बंद कर दिया गया है, चाहे वो भद्रकाली मंदिर हो, ब्रह्म सरोवर हो, या स्थानेश्वर मंदिर हो, या कोई भी जगह हो, यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी गई है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कोरोना वायरस का प्रकोप बड़ी जोरों शोरों से दिख रहा है, जिसके अंदर हमारा ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर बंद कर दिया है। चारों तरफ से यहाँ बैरियर लगा दिए गए हैं, किसी की कोई एंट्री नहीं है, और अगर कोई एंट्री लेता है उस पर सख्त कार्रवाई है। देख सकते हैं पूरा ब्रह्म सरोवर खाली पड़ा है, किस तरीके से ये खाली पड़ा है, कैसी ये महामारी घोषित की गई है। साहब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाहर कर्मचारी लोगों के हाथ धुलवाता है, उसके बाद ही किसी को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एंट्री देते हैं। विद्यालय भी वह कोरोना वायरस की वजह से बंद, एंट्री पर कर्मचारी खड़े होकर लोगों के सैनिटाइजर से हाथ धुलवाते हुए और जिनका काम नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर उनको वापस भेजते हुए। धन्यवाद। आने वाली 22 तारीख यानी संडे को पूरे इंडिया में कर्फ्यू लगाया गया है, तो आप सबसे अनुरोध इसका पूर्ण सहयोग करें। धन्यवाद। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं, ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी दो दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाए। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास, हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। हमारे देश में कई संगठन हैं, एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, कई युवा संगठन हैं, सिविल सोसाइटी हैं, खेलकूद के संगठन हैं, कई प्रकार के संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सब कोई। सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि अभी से लेकर रविवार तक इस जनता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। आप ये सभी यात्रियों को और शहरवासियों को सूचित किया जाता है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया जा चुका है, इसीलिए ब्रह्म सरोवर पर आवागमन आगामी आदेशों तक बंद है।